मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, पीएचडी इन मैथमेटिक्स, वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी, और हम सॉल्व करने वाले हैं एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल टू द पावर एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव, मीन्स हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अगर आप लॉग लेने की सोच रहे हैं तो लॉग लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि लॉग लेने में यहाँ पे प्लस है तो लॉग ऑफ दिस में सेपरेट नहीं हो सकेगा। लॉग ऑफ, अगर आप सोच रहे हो कि एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स का ऐसा लिख देंगे, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर लॉग ऑफ वाई टू द पावर एक्स, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो लॉग अलग अलग नहीं होगा, तो इधर तो ठीक है, इधर के लिए बहुत अच्छा है, पर इधर के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया और एक बेहतरीन टेक्निक बताता हूँ, बहुत शानदार, जिसका यूज़ करके आप इस प्रकार की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आप उसको बचने के लिए याद रखें कि बेस रेस टू पावर को आप लिख सकेंगे ई रेस टू पावर लॉग बेस, क्या लिख सकेंगे आप ऐसा, अगर आप ध्यान रख ले। ये सब में यूज नहीं करना, ये तभी यूज करना जब नीचे भी वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल है, नीचे भी फंक्शन है ऊपर भी फंक्शन है, तभी यूज करना इसका। तो आप इसको कैसे लिख सकेंगे, इसको आप लिख सकेंगे ई रेस टू पावर वाई लॉग एक्स। अगर आप इसका प्रूफ जानना चाहते हैं तो मुझे लिखिएगा, मैं इसके एक वीडियो इसके प्रूफ का बनाऊंगा और लॉग भी आपको समझाऊंगा, ई टू द पावर एक्स लॉग वाई। अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा, और इससे देखिए कितने आसानी से हो जाएगा, ई टू द पावर पावर, ऐसे याद रखना भी इजी है, ई टू द पावर पावर लॉग बेस। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग इट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, तो वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स कॉन्स्टेंट, वाई कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स वन अपॉन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स लॉग वाई का एक्स लॉग वाई इंटू एक्स का वन लॉग वाई कॉन्स्टेंट, एक्स कॉन्स्टेंट लॉग वाई का वन बाय वाई, वाई का डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ राइट साइड, देखिए ई टू द पावर का ई टू द पावर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स प्लस वाई का, तो एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन होगा वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई कॉन्स्टेंट लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई का वन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू इंटू एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब आप क्या लिखें इसमें, इसको वापस से आप वही लिख दें, क्या लिख देंगे, e टू द पावर y log x क्या लिखा था आपने, तो ये देखो बेस रेस टू पावर को लिखा e रेस टू पावर log बेस, पावर लॉग बेस, पावर कौन है वाई, बेस कौन है एक्स, तो वापस इसको लिख दो एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई बाय एक्स प्लस, इसको भी लिख दें पावर लॉग बेस, तो बेस है वाई, वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसको भी वही लिख देंगे पावर लॉ बेस रेस टू पावर, ये बेस है ये पावर है ब्रैकेट वन, इसको एक्स प्लस वाई कैंसिल करना चाहते हैं आप कैंसिल कर दें, ओके यहां पर लॉग एक्स प्लस वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, लॉग एक्स प्लस वाई कॉन्स्टेंट, एक्स प्लस वाई का वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई कॉन्स्टेंट, तो ये आ जाएगा आपके पास वन प्लस
डी वाई बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब इसे ओपन करना है आपको, तो ओपन भी कर लेते हैं इसको। एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स प्लस इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स टू द पावर वाई इंटू दिस, तो वाई इंटू एक्स टू द पावर वाई अपॉन एक्स। इसको आप एक्स टू द पावर वन लिख लें, ताकि अगली स्टेप में मैं इसको एक्स टू द पावर वाई माइनस वन लिख दूंगा, प्लस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स इंटू वाई टू द पावर एक्स अपॉन वाई टू द पावर वन डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू। इसको थोड़ा आप सावधानी से ओपन करेंगे, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी करेंगे, तो पहला हो जाएगा एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स प्लस वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू वन, तो इसमें ये आ गया खाली। अब अगली चीज है इसके लिए एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स प्लस वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये पूरा ओपन हो गया, दो टर्म आई, ये टर्म एक है, ये टर्म दूसरी है। अब एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स प्लस वाई इससे भी होगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स। अब जो जो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स हैं उनको चाहो तो लेफ्ट साइड में ले लो, चाहो तो राइट साइड में ले लो। तो अगर हम लेफ्ट साइड में लेंगे तो एक्स प्लस वाई टू द, ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये डी वाई बाई डी एक्स है और ये डी वाई बाई डी एक्स है। ऐसी चार टर्म है डी वाई बाई डी एक्स की, वन टू थ्री फोर, तो उसको लिख सकेंगे हम। देखना ध्यान से आप, जो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स, एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई, ये दिस यार साथ में भी लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, अगली स्टेप में कॉमन ले लेंगे, प्लस इसको देखो आप एक्स इंटू वाई टू द पावर एक्स माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स, इसको यहाँ लेफ्ट साइड में भेजेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स प्लस वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और एक टर्म और आएगी डी वाई बाई डी एक्स की, वो ये है प्लस एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, उधर आके माइनस का हो गया, तो माइनस इज इक्वल टू। अब जो इंडिपेंडेंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है उनको लिखिए, तो राइट साइड में इंडिपेंडेंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स प्लस वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई एक, दूसरी टर्म है एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस, जो दो टर्म इधर से आएंगी, एक तो ये जाएगी और दूसरी ये जाएगी, तो ये जाएगी तो ये हो जाएगी वाई इंटू एक्स टू द पावर वाई माइनस वन, वाई इंटू एक्स टू द पावर वाई माइनस वन, और दूसरी जाएगी वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई, y टू द पावर x log y।
अब ये हो गया हमारा काम काफी कुछ। इसमें से लेफ्ट साइड में से dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, लेफ्ट साइड में से dy बाई डी एक्स कॉमन लें, तो ये हो जाएगा x टू द पावर y log x, x इंटू वाई टू द पावर x माइनस वन माइनस x प्लस वाई टू द पावर x प्लस वाई log ऑफ x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। इज इक्वल टू राइट साइड, ये जो नीचे लिखी है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स प्लस वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस वाई एक्स टू द पावर वाई माइनस वन माइनस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है तो इसको नीचे भेजना पड़ेगा, इस वाली पूरी टर्म को। तो आपके पास आएगा ये, आपके पास आ गया। बहुत शानदार सवाल है, आपने भी देखा और महसूस किया होगा, x प्लस वाई टू द पावर x प्लस वाई लॉग ऑफ x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई टू द पावर x प्लस वाई माइनस वाई इंटू एक्स टू द पावर वाई माइनस वन माइनस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई और डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स, एक्स इंटू वाई टू द पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स प्लस वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स प्लस वाई। तो ये था आपका आंसर जो गिवन क्वेश्चन है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक इस तरीके का क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें, एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू फोर ले लें और इसका डेरिवेटिव निकालें, इसका डी वाई बाई डी एक्स आप फाइंड करें। अब आपको आंसर की समस्या हो सकती है, इसलिए मैं आपको आंसर इसका लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस वन प्लस वाई टू द पावर x log y अपॉन, इसका आएगा x टू द पावर y log x प्लस x इंटू वाई टू द पावर x माइनस वन। ये एक ट्रिक है आंसर निकालने की, ये ट्रिक मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आप पहले इसको देखिए, इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व कीजिए और फिर अगर आपको समझ में आता है तो आप मुझे लिखिए, हम इसके आगे की बात करेंगे। ये ट्रिक भी मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ टू डिफरेंशिएट दिस काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन एंड हाउ टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वेरी ईजीली, यू जस्ट लेट मी नो। अभी आपने चैनल को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन बजाएं और दोस्तों को ज़रूर बताएं। विश यू ऑल द बेस्ट।